मेरा नाम अजीत कुमार है, खुशीग्राम का फाउंडर हूँ मैं और ऑर्गेनिक वेलनेस के साथ हूँ और लगभग 2 साल से जुड़ा हूँ मैं और 2 साल से मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स खाए, टेस्ट किए, पिए और उसके बाद बहुत दिनों बाद आ जाना हुआ यहाँ पे और आके मैंने यहाँ का इनका बनाया हुआ इनके तरीके का किनुआ खाया। पहले हमने घर पे भी किनुआ बनवाया था लेकिन उस किनुए का जो टेस्ट था वो थोड़ा अलग आइटम फूड का बनाया था, बट इन्होंने 4 तरीके बताए किनुआ बनाने के जिसको कि मैंने रिकॉर्ड भी कर लिया है और ज़रूरत पड़ेगी या होगा तो आपसे शेयर भी करूँगा। तो इसको खाने के बाद जो एनर्जी मिली, आते ही मैं बहुत भूखा था, लंच नहीं कर पाया था आज, तो मैंने लंच के मतलब जस्ट बाद इसको किया और बहुत मज़ा आया खाकर। तो ये तो एक प्रोडक्ट है जो मैंने पहले भी खाया था बट आज का एक स्पेशल, आज स्पेशल टेस्ट इसका मिला मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हमारे दोस्त और मित्र भी खाएं और लोग भी खाएं और अपना स्वास्थ्य बढ़ाएं। और ये एक और चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि इससे बढ़िया रेट पे मार्केट में कहीं भी किनुआ नहीं मिलता है और टेस्ट भी ऐसा कहीं नहीं है, आप कहीं भी देख सकते हैं, सिर्फ 199 का ये किनुआ है। और किनुआ खाने के बाद मैंने फिर आज चाय पी, ग्रीन टी पी, ग्रीन टी मैंने पी है पहले भी क्योंकि हमारे पास पहले से टीज हैं और 6-7 तरह के टीज हैं, जिंजर टी है और भी 4-5 तरह के टीज हैं जो मैं लेता रहता हूँ, रोज़ टी है। और लेकिन ग्रीन टी मैंने बड़े दिनों बाद पी क्योंकि ग्रीन टी मेरा ख़त्म हो गया था, तो आज मैंने ग्रीन टी पी। तो मैं जो आज की जो मेरी थकान थी यात्रा की, आज मैं काफ़ी मीटिंग्स करके आया हूँ तो मेरी थकान दूर हुई, बहुत मज़ा आया पी के। तो ये रहा मेरा आज का दूसरा आइटम। उसके बाद ये है तुलसी ग्रीन टी जो मैंने आज पी, ये भी काफ़ी अफोर्डेबल मेरे ख्याल से 129 या शायद 129 रेट है इसका, तो ये भी काफ़ी अफोर्डेबल है। उसके बाद आज हम लोग कुछ लेट, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक खाना खाया कुछ, तो उसके साथ ही हमने लिट्टी चोखा खाया, उसके साथ उसमें ये हमने देसी गाय का घी डाला। घी भी ये साहिवाल गिर गाय जो देसी गाय होती है, A2 गाय जिनका दूध सबसे अच्छा माना जाता है और हमें सौभाग्य है कि मैं 4-5 सालों से सेवन कर रहा हूँ। तो घी का मैंने जो घी आया है, घी शुरू के प्रोडक्ट्स में नहीं था, बाद के प्रोडक्ट्स में मेरे ख्याल से था, लेकिन जब घी आया तो मैंने टेस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मैं मिल नहीं पाया बड़े दिनों से, लेकिन आज मैंने टेस्ट किया और लिट्टी चोखा में ये बहुत टेस्टी, बहुत बढ़िया लगा और एनर्जी भी आया काफ़ी। तो ये घी भी है जो मैं ले जा रहा हूँ आज अपने साथ, और ये सारी चीज़ें मैं ले जा रहा हूँ अपने साथ। उसके बाद पेट तो लगभग भर गया था लेकिन मैं मतलब इस गुलाब जामुन का मोह छोड़ नहीं पाया। और ये जब 150 ग्राम का गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन लगभग 150 ग्राम का है, तो मैंने बोला कि इसको मैं खा सकता हूँ शायद अभी भी, इतनी जगह है। और मैंने फिर इसको टेस्ट किया, एकदम शुद्ध तरीके से गुलाब जामुन बनाया हुआ है, पैक किया हुआ है, 2 का पैक है ये और 199 में सिर्फ है। और आप इसको कहीं ले जा सकते हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं तो अपने साथ में रख सकते हैं, खाने के बाद इसको खा सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर गुलाब जामुन भी है। और किनुआ के बारे में तो बता ही चुका हूँ मैं, किनुआ मैंने खाया तो उसकी तो बात, मैं 4 तरीके मैंने सीख लिए हैं तो अब 4 तरीके से मैं ट्राई करूँगा खाने का, देसी गाय के दूध में भी खाऊँगा, खीर भी बना सकते हैं, इसका सलाद के रूप साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद इसकी पॉरिज जैसा भी बना सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं बनाने के। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण जी, कृष्ण गुप्ता जी का और ऑर्गेनिक वेलनेस का, हमें मौका मिला बड़े दिनों बाद आ जाने का, मिलने का और मिलने के साथ इतनी सारी चीज़ें खाने का और ले जाने का साथ में, और अपने साथ में और भी कुछ चीज़ें ले जा रहा हूँ, सारी चीज़ें तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि लंबा काफ़ी वीडियो हो जाएगा, लेकिन फैट फिट ले जा रहा हूँ और मोरिंगा ले जा रहा हूँ और कुरकुमन ले जा रहा हूँ, ये टर्मरिक ले जा रहा हूँ विद कुरकुमन 5% जो है उसमें, और मतलब ये चीज़ें कई सारी बीमारियों की इम्यूनिटी तो बढ़ाती ही हैं, कैंसर, स्किन डिजीजेज, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए, और इम्यूनिटी आपकी इतनी स्ट्रांग करेगी कोई बीमारी आपसे आकर टकरा के वापस लौट जाएगी। और इसको मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ और मैंने इन्हीं सब चीज़ों से और लाइफस्टाइल से लगभग 25 सालों से दवा नहीं खाई है, और पिछले सालों में तो मुझे हमें ये चीज़ें भी मिली है, तो इससे और भी जीवन और आसान और स्वस्थ रहने का मौका मिला है, और 17-18 घंटे हम लोग काम करते हैं उसके बावजूद भी। तो धन्यवाद सब लोगों का।